दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक होगा वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के कार्य और कैपेसिटर को किस में मापते हैं और कैपेसिटर के टाइप्स। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है हमारे YouTube चैनल साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आज हम सीखेंगे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है। तो कैपेसिटर के कार्य की बात करें तो सबसे पहला कार्य जो होता है कैपेसिटर का, एनर्जी को स्टोर करना और डिस्चार्ज करना होता है। कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है और डिस्चार्ज करता है। दूसरा कार्य जो होता है वो सिग्नल को फिल्टर करना होता है। कोई भी ये सिग्नल आ रहा है, इस तरीके से कोई भी सिग्नल आ रहा है, सिग्नल जो होता है वो फ्रिक्वेंसी टाइप का होता है, तो इसको फिल्टर करके निकाल देता है। ठीक है, अपने अंदर से जो एनर्जी निकालता है वो एकदम से फिल्टर वाला सिग्नल निकालता है। और दूसरा एसी को पास करना, एसी करंट जो होता है वो इसी तरीके से चलता है, इसी तरीके से। तो जो एसी रिपल एसी को जो अपने अंदर से पास कर देता है, जैसे कि कैपेसिटर लगा हुआ है तो इसके अंदर से एसी जो होता है वो गुजर जाता है, और जो डीसी करंट होता है वो इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में चलता है, उसको ये रोक लेता है। ठीक है, उसको ये रोक लेता है, यहाँ पर ये रोक लेता है। अब अगला इसका काम जो होता है वो डीसी को रोकना होता है, ये मैंने बता दिया। और लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी को अलग अलग करता है, जैसे कि दो फ्रिक्वेंसी आ रही है, जैसे मान लो एक ये फ्रिक्वेंसी एक ये फ्रिक्वेंसी है, तो इसको अलग अलग कर देता है। और वोल्टेज में होने वाली जो चेंजिंग होता है उसको रोकता है, वोल्टेज में होने वाला उतार चढ़ाव, कभी वोल्टेज इस तरीके से चलता है, कभी इस तरीके से ऊपर नीचे जो वोल्टेज होता है, तो उसको एक इस तरीके से ये एक सी लाइन में, ये अप हो रहा था, ज़्यादा अप डाउन हो रहा था, तो उसको ये एक सी लाइन में चेंज कर देता है, मतलब ये सीधी लाइन इस तरीके से। ठीक है, तो वोल्टेज में होने वाले जो उतार चढ़ाव होता है उसको रोकता है। अगर कैपेसिटर की सिंबल की इंटरनल डायग्राम की बात करें तो कैपेसिटर जो होता है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, जैसे कि ये कैपेसिटर है हमारा रखा हुआ, ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर में दो प्लेटें लगी हुई होती हैं, एक ये प्लेट होती है और एक अदर साइड वाली प्लेट, और बीच में जो होता है वो लाइट जो मटेरियल भरा हुआ होता है, जिस टाइप का कैपेसिटर होता है उसी टाइप का मटेरियल भरा हुआ होता है। तो जब हम इसको पॉजिटिव, ये हमारी बैटरी है, ये बैटरी है, जब हम किसी भी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा होता है ये कैपेसिटर की एक पॉजिटिव वाली लेग पे अपने लगा देते हैं, और ये नेगेटिव वाला जो होता है नेगेटिव वाली लेग पे लगा देते हैं। तब क्या होता है, ये पॉजिटिव वाला जो होता है इस पर प्लस 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 इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, ये प्लेटों पर, और इस पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से ये इसके अंदर वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल बन जाता है। इन दोनों प्लेटों जो दोनों प्लेटों जो लगी हुई हैं इनको बोलते हैं कंडक्टिव पैरेलल प्लेट्स, और ठीक है, और इन पर जो चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज बोलते हैं। जैसे कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों इलेक्ट्रिकल चार्ज इस पर ऑटोमेटिकली इस बैटरी के थ्रू से आ जाते हैं, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है दूरी उसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो अगर कैपेसिटर की सिंबल की बात करें तो ये एक सिंबल है अपने पास, ये इस टाइप का कुछ सिंबल, सर्किट जब बोर्ड डिजाइन होता है तो इस टाइप का कुछ सिंगल सिंबल होता है। अब कैपेसिटर के टाइप्स की बात करें तो कैपेसिटर जो होता है प्राय तीन प्रकार का पाया जाता है, थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहला जो होता है पोलर कैपेसिटर होता है। पोलर कैपेसिटर किसमें, कौन सा कैपेसिटर होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद होते हैं, उसको पोलर कैपेसिटर कहते हैं। जैसे कि ये पॉजिटिव है और ये अदर साइड जो नेगेटिव है, ठीक है, पोलर साइड। और जो नॉन पोलर कैपेसिटर होता है सेकेंड नंबर पर, इसमें जो होता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, जैसे कि एग्जाम्पल सिरेमिक कैपेसिटर होता है इसका। तो नॉन पोलर कैपेसिटर जो होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, किसी भी साइड से आप लगा सकती हैं उसको, ठीक है। और जो पोलर कैपेसिटर होता है वो प्रायः डीसी ही सर्किट में यूज होता है, और नॉन पोलर जो कैपेसिटर होता है वो एसी में डीसी में सब में ही यूज हो जाता है। उसके बाद में होता है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर जो होता है वो इस तरह का कैपेसिटर, इसका सिंबल जो है वो इस टाइप से दिखाई देता है, ठीक है। तो वेरिएबल कैपेसिटर जो होता है वो इस तरह से होता है, जैसे कि मान लो किसी भी कोई भी कैपेसिटर हमारे पास में है और वो 2 माइक्रोफेरेड का है, तो उसको हम उसकी नोब को घुमा के, मतलब उसकी एडजस्टेबल करके, जैसे इस टाइप से एक कैपेसिटर होता है, उसकी जो एडजस्टेबल पॉइंट होता है एडजस्ट, उसको हम इधर उधर करके ना उसकी कैपेसिटी जो होती है 2 माइक्रोफेरेड से जैसे कि 4 माइक्रोफेरेड कर ली, इस तरीके से जो चेंज हो जाता है, इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको,
जो पुरानी FM और रेडियो वगैरह होते थे उनमें जो नोब होती थी वो कैपेसिटर की ही बनी हुई होती थी, जिससे अपने फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करते थे। ऊपर नीचे करके जब चैनल को मिलाते थे तो उसमें वेरिएबल कैपेसिटर वहीं पे यूज होता है, और भी अलग अलग स्थानों पे यूज होता है वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। तो उसके बाद में जो है यूजेस इन सिस्टम, अगर कैपेसिटर यूज की बात करें तो कैसे कैसे करके यूज होता है। पोलर कैपेसिटर जो होता है वो ओनली यूज इन DC सिस्टम, जितने भी DC सर्किट होते हैं उसमें ही पोलर कैपेसिटर यूज होता है, ठीक है। और नॉन पोलर जो कैपेसिटर होता है वो यूज इन AC, बोथ AC एंड DC सिस्टम। नॉन पोलर जो होता है वो AC और DC दोनों ही जगह यूज हो जाता है। और कैपेसिटर की अगर मीजर्ड इन, तो कैपेसिटर जो होता है वो पिको फेरेड में अपने नापते हैं, और सेकेंड क्वांटिटी है वो है माइक्रो फेरेड, ठीक है, नैनो फेरेड। तीसरा जो होता है वो नैनो फेरेड में। अब तीन तरह से आपको कैपेसिटर नापने के लिए मिलता है, ठीक है, पहला पिको फेरेड, दूसरा माइक्रो फेरेड और तीसरा नैनो फेरेड। तो ये भी इसकी कैपेसिटी नापने की जो मेजर्ड है वो है। और मटेरियल टाइप्स कैपेसिटर, अगर मटेरियल की बात करें तो कैपेसिटर जो होता है सबसे पहले जो होता है वो पेपर कैपेसिटर होता है। ये पेपर कैपेसिटर कुछ टाइप का होता है, जैसे कि मान लो ये अपना कैपेसिटर है, इसके बीच में ये मैटर भरा हुआ है, जो पेपर की प्लेट्स के बीच में पेपर, यानी कि पेपर भरा हुआ होता है, तो इसको हम पेपर कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है मीका कैपेसिटर, इसमें कुछ लिक्विड टाइप का लिक्विड मीका भरा हुआ होता है, इसीलिए इसको मीका कैपेसिटी, चीनी से बनाया जाता है इसको, तो इसको सिरेमिक कैपेसिटर कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये भी कुछ इसी तरीके से डिजाइन करा हुआ होता है। और वेरिएबल कैपेसिटर, मैंने जो आपको एक फिगर दिखा दे रहा हूँ, इसमें ये जो सैंपल है ये वेरिएबल कैपेसिटर का है, और मेरे पास कुछ कैपेसिटर रखे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। कैपेसिटर है ये अपना पोलर कैपेसिटर है, जिसपे ये 25 वोल्ट का है, ये 25 वोल्ट इसकी रेटिंग है, ये 25 वोल्ट और 100 माइक्रोफेरेड, इसको माइक्रो बोलते हैं, ठीक है, ये यू की तरह दिखाई देता है, इसको माइक्रोफेरेड बोलते हैं। तो ये 25 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर हैं जो मेरे पास में रखे हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको कुछ सिरेमिक कैपेसिटर का एग्जांपल दिखाता हूँ। सिरेमिक कैपेसिटर जो कि ये होता है, जैसे कि ये प्लेट है, ये प्लेट में जो लगा हुआ कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर जो है भी सिरेमिक कैपेसिटर होता है, ठीक है। और ये एक नॉन पोलर कैपेसिटर है, ठीक है, और इसलिए पोलर कैपेसिटर है, इसमें नेगेटिव साइड बनी हुई है, जैसे कि ये देखिए, ये 100 वोल्ट और 68 माइक्रोफेरेड का ये कैपेसिटर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।